हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू द चैनल टेक बेलिस्टिक। आज की वीडियो में हम मिडिल रेंज स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। Redmi 9 Power, Micromax N Note 1 एंड M2, Poco M2 Pro के बारे में। पहले हम बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो हमें Redmi 9 Power में 6.53 इंच की IPS LCD डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल में मिलती है। वहीं बात करें Poco M2 की, तो इसमें 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल में मिलती है। एंड Micromax N Note 1 में 6.67 इंच की IPS LCD डिस्प्ले पंचल स्टाइल में मिलती है, जो क्लियरली इस राउंड का विनर है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ Micromax N Note 1 और Poco M2 दोनों में ही हीलियो का प्रोसेसर लगा है, जो कि 12 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। वहीं Redmi 9 Power में Snapdragon 662 का प्रोसेसर लगा है, जो 11 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और ये हीलियो G80 एंड G85 दोनों से स्लाइटली बेटर है। वहीं अब बात करते हैं कैमरा सेटअप की, तो तीनों ही स्मार्टफोन क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में आते हैं, बट Micromax N Note 1 में कैमरा सेटअप बेटर है दोनों ही कंपैरिजन में, तो इस राउंड में Micromax N Note 1 विनर है। चलिए अब बात करें बैटरी की, तो Micromax N Note 1 एंड Poco M2 दोनों में 5000 mAh की बैटरी के साथ में आते हैं विद 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। वही Redmi 9 Power 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी के साथ 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जो क्लियरली इसे विनर बना देती है इस राउंड का। चलिए अब बात करते हैं इनके प्राइसिंग की, तो Redmi 9 Power दो वेरिएंट में आते हैं, 4GB RAM एंड 64GB स्टोरेज 10,999 में, एंड 6GB RAM 128GB स्टोरेज 11,999 में। वहीं Micromax N Note 1 4GB RAM एंड 64GB स्टोरेज 10,999 में आता है, एंड 4GB RAM एंड 128GB स्टोरेज 12,499 में। एंड Poco M2 6GB RAM 64GB इंटरनल 10,499 में, एंड 6GB RAM एंड 128GB स्टोरेज 11,499 में। ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही स्मार्टफोन प्राइसिंग के हिसाब से सही हैं, बट Redmi 9 Power में बेटर प्रोसेसर और बड़ी डिस्प्ले मिल रही है। वहीं Micromax N Note 1 में बड़ी डिस्प्ले विद बेटर कैमरा सेटअप, एंड Poco M2 प्राइसिंग के हिसाब से स्टोरेज वेरिएंट सही दे रहा है। आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन विनर है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।